नमस्कार, आप देख रहे हैं राइड एंड ड्राइव। मैं हूं पीयूष शर्मा और दोस्तों ये है महिंद्रा की XUV 400 जो कि महिंद्रा की पहली इलेक्ट्रिक गाड़ी है भारतीय बाजार में। एक नज़र इसके डिजाइन पर डाल लेते हैं तो जब आप इसका फ्रंट देखेंगे तो इसके फ्रंट में आपको कोई भी ग्रिल नहीं मिलने वाली है क्योंकि ये एक इलेक्ट्रिक कार है, इसलिए इसे पूरा कवर्ड रखा गया है। नॉर्मली इलेक्ट्रिक कार्स में आपको ब्लू एलिमेंट बहुत देखने को मिलता है, लेकिन इसमें जो छोटे छोटे एलिमेंट्स या छोटे छोटे डिजाइन एलिमेंट्स यूज करे गए हैं उन्हें कॉपर में रखा गया है। ठीक ऐसे आप अलॉय व्हील देखेंगे तो ये 16 इंच का अलॉय व्हील है, इसमें भी आपको छोटा सा लोगो मिलेगा कॉपर में। ऐसे साइड में एक स्ट्रिप दी गई है, इसका जो रूफ है वो भी कॉपर कलर में रखा गया, इसके जो टेल लैंप्स हैं उसमें भी ट्रीटमेंट दिया गया है कॉपर का। तो रेयर प्रोफाइल मुझे पहले से ज़्यादा बेटर लग रहा है। XUV 300 जो थी उसमें बूट स्पेस कम था, लेकिन इसमें कोशिश करी गई है कि बूट स्पेस बढ़ जाए। उसके लिए किया क्या गया कि व्हील बेस तो उतनी है लेकिन गाड़ी का जो ये पोर्शन है इसको थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, गाड़ी की ओवरऑल लेंथ बढ़ गई है। उसी के साथ साथ इसमें आपको अच्छा खासा बूट स्पेस भी मिलने वाला है। अब आपको बता दूं कि ये जो गाड़ी है दिसंबर एंड तक डीलरशिप में पहुंच जाएगी और जनवरी तक इसकी बुकिंग स्टार्ट हो जाएगी और कोशिश है कि जनवरी एंड तक इसकी डिलीवरी भी चालू हो जाए। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी हमें बताइएगा। जल्द मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। देखते रहिए राइड एंड ड्राइव।